क्या है मेरठ सीट का हाल। मेरठ में राम राज बनाम पीटीए, रामायण के राम कितना करेंगे कमाल। सपा की सुनीता वर्मा पड़ेंगी भारी। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। मेरठ में इस बार का चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय है। यहां एक तरफा बीजेपी ने रामायण धारावाहिक में राम का किरदार निभा चुके अरुण गोविल को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं दूसरी ओर गठबंधन ने पूर्व मेयर सुनीता वर्मा को मैदान में उतारा है। वहीं बसपा ने भी बीजेपी से नाराज चल रहे त्यागी समाज के देवव्रत त्यागी को मेरठ से प्रत्याशी बनाकर दलित मुस्लिम त्यागी समाज में पैठ बनाने की कोशिश की है। मेरठ लोकसभा सीट की जंग, अरुण गोविल बीजेपी प्रत्याशी वर्सेस सुनीता वर्मा सपा प्रत्याशी वर्सेस देवव्रत त्यागी बसपा प्रत्याशी। बता दें 2009 के बाद से मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर लगातार भाजपा का कब्जा रहा है। बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल 2009 में मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से चुनाव जीते थे। उसके बाद से इस सीट पर भाजपा का कब्जा है। लोकसभा चुनाव 2024 में चौथी बार चुनाव जीतकर भाजपा एक बार फिर से भगवा फहराने की कोशिश करेगी। मेरठ में कांग्रेस का सुनहरा अतीत, 1952 में देश की पहली लोकसभा के लिए हुए चुनाव में मेरठ को 3 लोकसभा क्षेत्रों में बांटा गया था। मेरठ जिला पश्चिम, मेरठ जिला दक्षिण, मेरठ जिला उत्तर पूर्व, इन तीनों ही सीट पर कांग्रेस जीती। इनमें मेरठ पश्चिमी सीट से खुशी राम शर्मा, मेरठ दक्षिण से कृष्ण चंद्र शर्मा और मेरठ उत्तर पूर्व से शहनवाज खान सांसद बने। 1957 में तीनों लोकसभा सीट को एक कर मेरठ लोकसभा सीट का गठन किया गया। कांग्रेस ने इस चुनाव में शहनवाज खान को फिर से चुना। बीजेपी का दबदबा, 1980 में कांग्रेस ने नई उम्मीदवार मोहसिना किदवई को मेरठ सीट से उतारा। 1980 और 1984 में लगातार 2 बार मोहसिना यहां से सांसद चुनी गई। 1989 में मोहसिना हार गई। 1991 में बीजेपी ने अमरपाल सिंह को उतारा। वह 1991, 1996, 1998 में लगातार 3 बार सांसद भी चुने गए। मेरठ का सियासी समीकरण क्या है? मेरठ हापुड़ सीट पर मुस्लिम वोटर्स की बड़ी भूमिका होती है। यहाँ मुसलमानों का बड़ा तबका रहता है, दलितों की भी बड़ी आबादी रहती है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार मेरठ की आबादी करीब 35 लाख है। इनमें 65% हिंदू, 36% मुस्लिम आबादी है। इनमें किठौर, मेरठ कैंट, मेरठ शहर, मेरठ दक्षिण और हापुड़ की सीट है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का केंद्र और क्रांति धरा भूमि माने जाने वाली मेरठ लोकसभा सीट राजनीतिक संदेश के हिसाब से अहम सीट मानी जाती है। मुस्लिम 6 लाख, चार्टर 3.15 लाख, वाल्मीकि 59,000, ब्राह्मण देश त्याग की बड़ी तादाद, गुर्जर सैनी बड़ा दखल। अब देखना होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में मेरठ में किसकी होगी जीत। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीम। अच्छी बात है इस देश के लिए, इस विश्व के लिए, उनसे उससे हम प्रेरणा लेते हैं। श्रीराम से मुद्दा नहीं है, बड़ा अचीवमेंट है। 500 साल के स्ट्रगल के बाद अगर कोई चीज़ आप अचीव करते हैं तो वो बड़ी तो है ना, तभी तो 500 साल का स्ट्रगल हुआ उसके लिए। नहीं, उनका काम है कुछ तो बोलना होगा ना उनको, ये बताने के लिए कि हाँ मैं भी हूँ। अभी है वो कितनी आप देखिए प्योर है बिल्कुल, है ना। एक ऐसा इंसान जो सत्य बोलता है, एक ऐसा इंसान जो वैचारिक ईमानदारी है जिसके पास। अब जो है श्री नरेंद्र मोदी का चुनाव है और विकसित भारत की उन्होंने नींव रखी है। हमें पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम उनके हाथ और मजबूत करें। ये मोदी जी की गारंटी है, यही हमारा मुद्दा है। देश राष्ट्र निर्माण की तरफ आगे बढ़ रहा है। विपक्ष के पास सिर्फ ये मुद्दा है कि वे एकजुट होकर भारत को लूटे कैसे। कितने भाजपा ने आज तक किए हैं, 370 हो या राम मंदिर हो, वो सब पूरे हुए हैं। इसीलिए आज जनता बहुत खुश है भाजपा सरकार से। 400 पार करने वाले हैं। इस बात की है जी, जो काम मोदी जी ने, योगी जी ने देश के लिए किया है, ऐसा काम ना तो पहले कभी किसी ने किया था। इस वक्त मैं मेरठ में हूँ और मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री अरुण गोविल जी, जिन्होंने प्रभु श्री राम के का रोल किया है और इनकी पहचान भी उसी तरह है। सर, आप अब तक पॉलिटिक्स में नहीं थे, तो आपके लिए लगता है कि एक नया अनुभव है? हाँ बिल्कुल, नया अनुभव है। तो हम जो काम हम करते रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री में थे, टेलीविजन इंडस्ट्री में थे, उससे बिल्कुल अलग बात है ये तो। टोटली
तो किस तरह का अंतर देखते होंगे आप? फिल्म इंडस्ट्री में लोग मिलते हो, यहाँ पे लोग आपके पैर पे गिर जा रहे हैं, लोग आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। आप तो बहुत एक जो आदमी होता है वो बहुत टाइम टू टाइम, मिनट टू मिनट कार्यक्रम रहता है, लेकिन इसमें तो सब अस्त व्यस्त हो जाता होगा। नहीं, अस्त व्यस्त नहीं होता। देखिए, वहाँ भी लोग जो हमारे यूनिट के लोग थे, बहुत सारे लोग हैं वहाँ भी पाँव छूते हैं, और यहाँ क्योंकि यहाँ हुजूम ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, तो इसलिए वो हर चीज़ बड़ी हो जाती है, और टाइमिंग बहुत यहाँ वहाँ हम एक क्लोज एटमॉस्फेयर में शूटिंग करते हैं, वहाँ बाहर के लोग नहीं होते हैं, सिर्फ यूनिट के लोग होते हैं, और यहाँ तो वन टू वन कॉन्टैक्ट होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, तो ये फ़र्क है बेसिकली। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान आप थे, आपको क्या लगता है राम मंदिर का बनना आप कितना बड़ा अचीवमेंट मानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए? बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 500 साल के स्ट्रगल के बाद अगर कोई चीज़ आप अचीव करते हैं तो वो बड़ी तो है ना, तभी तो 500 साल का स्ट्रगल हुआ उसके लिए। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ने ये किया है तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सर, आपको लगता है चुनाव में मुद्दा है राम मंदिर? नहीं, चुनाव में मुद्दा नहीं है राम मंदिर का। राम मंदिर का मुद्दा तो बिल्कुल कोई भी बात नहीं करता उसकी। हाँ, वो एक भगवान का मंदिर बन गया है, बस दैट्स इट। बहुत अच्छी बात है इस देश के लिए, इस विश्व के लिए। उनसे उससे हम प्रेरणा लेते हैं, श्री राम से। मुद्दा नहीं है वो। अच्छा सर, राजनीति में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, एक दूसरे का लेग पुलिंग की जाती है, तो जब ये आपके विपक्ष के नेता आपके ऊपर करते हैं तो आपको कैसा लगता है? नहीं, उनका काम है, कुछ तो बोलना होगा ना उनको, ये बताने के लिए कि हाँ मैं भी हूँ, है ना, तो इसलिए वो बोलते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता उस बात से। अच्छा, विपक्ष का कहना है साहब कि भारतीय जनता पार्टी अरुण गोविल जी को टूल की तरह यूज कर रही है, वो चूंकि उनकी छवि है, देश भर में उन्होंने राम का रोल किया है और हमारे लिए भी वो एक पूज्य हैं, लेकिन बीजेपी उनको पॉलिटिकल टूल की तरह यूज कर ले रही है। नहीं, ये तो बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। अब ये बल्कि टूल होता क्या है, मुझे तो वो ये नहीं समझ में आता जो शब्द आपने इस्तेमाल किया है या लोग इस्तेमाल करते हैं। इसमें टूल की तो कोई बात नहीं है। एक अगर अरुण गोविल के थ्रू एक संदेश जा सकता है, अरुण गोविल की जो छवि है वो कितनी आप देखिए प्योर है, बिल्कुल है ना, एक ऐसा इंसान जो सत्य बोलता है, एक ऐसा इंसान जो वैचारिक ईमानदारी है जिसके पास, और ये सारे पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो एक ऐसे व्यक्ति को अगर खड़ा किया है तो एक मैसेज जाता है कि हाँ नहीं देखो ऐसा नहीं होता जैसा तो आप लोग बाकी लोग कर रहे हैं, हमारे पास ये एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति यहीं का है, फिर यहीं का है ना, तो ये फर्क पड़ता, बहुत फर्क पड़ता है, ये तो एक संदेश है बेसिकली। अरुण जी, जैसे आपसे हम पूछ रहे हैं कि जैसे आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो कभी आपके मन में था कि आप चुनाव लड़ेंगे, कोई तैयारी थी, कभी सोचा था, या आपको एकाएक बीजेपी ने कहा और आपको मानना पड़ा? नहीं, ऐसा कभी नहीं था कि मुझे चुनाव लड़ना था। मुझे पहले भी बहुत ऑफर्स बार बार ऑफर्स आते रहे, पर मेरे कभी मन में नहीं आया था, और ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी ने कहा और मुझे मानना पड़ा, जो शब्द आप इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक है, नहीं हाँ, ये शब्द अच्छा, ऐसा नहीं है। उन्होंने मुझसे पूछा था कि हम ऐसा, हमें लग रहा है कि हम अगर हम ऐसा करें तो मैंने कहा ठीक है। नहीं, इसलिए मैंने कहा कि मेरठ एक ऐसी हॉट सीट है, मेरठ का बड़ा इतिहास रहा है, और आपको यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए उनको मनाना एक बड़ी बात थी, क्योंकि अगर आप पॉलिटिक्स में आना चाहते तो बहुत पहले आ जाते और सबसे ज़्यादा लीड से जीतने वाले कैंडिडेट होते, तो ये आपका हृदय परिवर्तन जो राजनीति में हो, इसके लिए मैंने पूछा। हाँ नहीं, वो अपने आप ही मुझे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन मेरे मन में आया था कि हमने रामायण के थ्रू बहुत सेवा की है, आध्यात्मिक सेवा की, सांस्कृतिक सेवा की, मॉरल्स बताए लोगों को, सारी चीज़ें बताएं कि रिश्ते कैसे होते हैं, ये सब बताते रहे हम, लेकिन वन टू वन जो जिसे जन सेवा कहते हैं या जन कल्याण कहते हैं, वो हमने उस तरह से नहीं किया था कभी, तो वो मन में आया था उस दिन, तो वो पता नहीं वो राम जी ने सुन ली होगी वो बात। अच्छा। तो बीजेपी के मन में भी आ गया फिर कि हाँ अरुण जी को हम अगर हम ऐसा करें, तो फिर उससे पहले उन्होंने मुझसे पूछा, मुझे मेरा नाम अनाउंस करने से पहले पूछा मेरे, तो मैंने कहा ठीक है ठीक। अच्छा अरुण जी, आपको ये लग रहा था कि जिस तरह आप उस कलाकारों में से हैं जिन्होंने जो किरदार निभाया उसे चरित्र में भी निभाया और बड़ी ईमानदारी से रहे, तो आपको लगता है कि जो और कलाकार हैं उनको भी थोड़ा इस पर ध्यान देना चाहिए? नहीं, मैं और कलाकारों की बात नहीं कर रहा, मैं किसी और के बारे में बात नहीं करना चाहता, मैं मेरे बारे में बात। ठीक है, आपकी जो टीम थी सीता और लक्ष्मण की टीम, वो भी आ रही चुनाव प्रचार में? जी हाँ, वो कल आएंगे। अच्छा, एक सबसे बड़ा मैसेज क्या देना चाहेंगे सर आप इस चुनाव में? नहीं, ये चुनाव जो है श्री नरेंद्र मोदी का चुनाव है और विकसित भारत की उन्होंने नींव रखी है, हमें पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम उनके हाथ और मजबूत करें, बिकॉज यहाँ आप ये समझ लीजिए, एक अगर फाइनली आप देखें तो यहाँ
जो इस बार वोट होनी है वो श्री नरेंद्र मोदी के नाम पर होनी है, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर होनी है। अरुण गोविल का नंबर तो तीसरा आता है यहाँ पर। देश में बचाने के लिए, सनातन बचाने के लिए भी चुनाव हुई है? नहीं, सनातन बताना क्या है, सनातन तो है, यथार्थ है, सत्य है, आदि अनादि सब कुछ है सनातन, उसे बताना क्या है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरुण गोविल जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव हो रहा है और उन्हें उम्मीद है कि बहुत अच्छे लीडरों से वो जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मेरठ के अरुण गोविल अपने चुनाव प्रचार कर रहे हैं, इस तरह से यात्रा भी निकले हुए हैं और लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। शहर के सबसे व्यस्ततम रास्तों पे गुजर रहे हैं, कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है और यहाँ पे लोग उनके मेहनत कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित शर्मा है। सुमित जी, इस बार चुनाव में क्या मुद्दों में देख रहा हूँ, रथ यात्रा पे आप सबसे ज्यादा उत्साहित हैं, इश्यूज क्या है, मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि जनता की, मोदी जी ने जो गारंटी दी है पूरे देश को, जो 2014 से अब तक मोदी जी की जो गारंटी, हर काम का विकास पाया है, या सड़कों की, रोड की व्यवस्था हो। मैं ट्रांसपोर्ट व्यवस्था से आता हूँ, मैंने देखा है 2014 से पहले जब हमारी ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ जाया करती थी, एक एक जो गाड़ी एक दिन का काम दो दो दिन में करके आया करती, आज उनका सुधार मिला है, सड़कों का जाल मिला है। ये मोदी जी की गारंटी है, यही हमारा मुद्दा है। देश राष्ट्र निर्माण की तरफ आगे बढ़ रहा है और राष्ट्र के हित में कार्य हमारे मोदी जी कर रहे हैं, यही मोदी जी की गारंटी है, यही हमारा मुद्दा है। मुद्दा तो भाजपा सरकार ने छोड़ा ही नहीं, मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा विकास का था। विकास आप देख रहे हो कितनी तेजी में हो रहा है, आपकी बार 400 पार है, आपकी बार 400 है। क्या नाम है आपका? जी सोनू तानिया नाम है मेरा। सोनू जी, युवा यूथ का कोई मुद्दा है, अग्निवीर कोई मुद्दा है, या चुनाव किस मुद्दे पे हो रहा है मेरठ में? ये देखिए, जो जो वादे भाजपा ने आज तक किए हैं, 370 हो या राम मंदिर हो, वो सब पूरे हुए हैं, इसीलिए आज जनता बहुत खुश है भाजपा सरकार से। और आज हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि मेरठ में हमारे जो अरुण गोविल जी, जो श्री राम के स्वरूप में माने जाते हैं, वो हमारे यहाँ से प्रत्याशी हैं, इसलिए हमें बहुत हर्ष महसूस हो रहा है। अच्छा, इनको प्रत्याशी के रूप में देखकर कैसा लग रहा है आपको? बहुत बहुत आनंदमय महसूस हो रहा है और हमें प्रचार प्रसार करते हुए अरुण गोविल को प्रत्याशी बनाया है, राम का किरदार इन्होंने निभाया है, कैसा लग रहा है आपको? हमें साक्षात यहाँ राम के अवतार के रूप में अरुण गोविंद जी मिले हैं, स्वयं हम भगवान के रूप में अरुण गोविंद जी को ला रहे, हमारे मेरठ का सौभाग्य है कि ऐसे मोदी जी ने हमें यहाँ प्रत्याशी उतारे हैं। हमारे भी साक्षात अयोध्या से चलकर राम यहाँ उतार दिए, या तो राम अयोध्या में थे या मेरठ में यहाँ पे। जय श्री राम। क्या चुनाव का मुद्दा है जी? क्या नाम है आपका? पंच प्रजापति नाम है। चुनाव का क्या मुद्दा है जी? चुनाव में क्या मुद्दा है? चुनाव में बड़ा प्रजनून का मुद्दा है, हमें बहुत मजा आ रहा है जो हमारे राम हमारे धरती पर, मेरे आगमन पर आए, और हमारे क्षेत्र मुल्तान नगर मंडल का मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ जो हमारे बीच उपस्थित रहे, और हम अब की बार 400 पार करने वाले हैं। क्या लग रहा है चुनाव में? आप बड़े नारे लगा रहे हैं, बड़े उत्साहित हैं, किस बात की खुशी है? खुशी इस बात की है जी, जो काम मोदी जी ने, योगी जी ने देश के लिए किया है, ऐसा काम ना तो पहले कभी किसी ने किया था, ना आज तक उनके उनसे पहले कोई कर पाया है। जो काम मोदी जी ने, अयोध्या जी का मंदिर बनाया, देश में बच्चा बच्चा जागरूक है, बड़ा बुजुर्ग जागरूक है, इसी बात के लिए हम भी खुश। हाँ, क्या है चुनाव में मुद्दा? मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दे सारे साफ हो चुके हैं, मोदी जी का विकास का पूरा कार्य कर्तव्य से निर्वहन हो चुका है, और अब तक 10 वर्षों के जितने उन्हें सफल कार्य करे हैं उससे तेजी से। क्या नाम है आपका? अजय शर्मा। क्या चुनाव में आपको कोई मुद्दा है कि? मुद्दे सारे क्लियर हो चुके हैं, आज से 10 साल पहले जब से मोदी जी सीट पे बैठे हैं, सारे विकास के, सारे युवाओं के सारे मुद्दे समाप्त हो चुके हैं, अब कोई मुद्दा नहीं है, और जय श्री राम जी को लाके हमारे मेरठ की जनता के लिए बहुत बड़ा उपकार करा है। क्या मुद्दा है चुनाव में? अब जो मुद्दा है, मोदी जी के सारे मुद्दे पूरे, जो विपक्ष के पास सिर्फ ये मुद्दा है कि वे एकजुट होकर भारत को लूटे कैसे, ये विपक्ष के पास मुद्दा है। जनतंत्र टीवी मेरठ।